चक्र हूं, समय मेरी अर्धांगिनी। पृथ्वी रूपे इस भूखंड का भ्रमण करते हुए हम दोनों ने यहाँ के ना जाने कितने ही इतिहासों को अपने काल गर्भ में समेटा है, जिसमें से एक अनूठा वो अनुपम इतिहास है मुगदलपुर जिला मुंगेर का। निर्झर कलकल छल छल अनवरत अपने प्रवाह धारा को दिशा प्रदान करती असंख्य प्राणियों की जीवनदायिनी पापनाशिनी पुत्री भारती की आन बान व शान पतित पावनी पुण्य सलील गंगा के तट पर अवस्थित ऋषि मुगदल की तपोभूमि महादानी कर्ण की कर्मभूमि तथा बंगाल बिहार उड़ीसा के नवाब रहे मीर कासिम की राजधानी मुंगेर पौराणिक रामायण महाभारत काल से लेकर राजा नवाबों की शान की नगरी में तब्दील होती मुगदलपुर आज के मुंगेर तक के ना जाने कितने ही इतिहासों का सृजन करता निरंतर अपना कभी ना समाप्त होने वाले यात्रा की ओर अग्रसर है। प्रस्तुत है गौरवशाली ऐतिहासिक धरोहर के साक्षी रहे मुंगेर के गौरवमय स्थानों का परिभ्रमणीय दर्शन चित्र पर आधारित संक्षिप्त वृत्त चित्र डॉक्यूमेंट्री फिल्म सीताकुंड मुंगेर। धार्मिक मान्यताओं के आधार पर सीताकुंड मुंगेर का एक अनोखा स्थान है, जहां राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न एवं सीता नाम से 5 कुंड है। इनमें से 4 कुंडों का जल शीतल है, परंतु मध्य स्थित सीताकुंड का जल अनवरतक हौलता व गर्म रहता है। आश्चर्य की बात यह है कि वर्ष के 3 माह रामनवमी से अर्थात अप्रैल मई तथा जून माह में सीताकुंड का जल शीतल रहता है। ऐसी मान्यता है कि अग्नि परीक्षा के उपरांत माता सीता ने यहीं स्नान किया था। चंडी स्थान मुंगेर महाभारत कालीन राजा कर्ण की तपोस्थली रहे विख्यात चंडी स्थान एक प्रसिद्ध सिद्ध पीठ के रूप में अपनी विशिष्टता लिए आम जन हेतु आस्था का केंद्र है। ऐसी मान्यता है सती की बाई आंख कटकर यहां गिरी थी, जहां हजारों भक्त श्रद्धालु प्रतिदिन अपनी पूजा अर्चना भक्ति भाव अर्पित करते हैं। दशहरे के समय में तो यहां तिल मात्र भी स्थान नहीं बचता। यह भारतवर्ष के सिद्ध पीठों में से एक है। पीर पहाड़ी मुंगेर नवाब मीर कासिम के सेनापति का आवास स्थल रहा पीर पहाड़ पूर्व में गंगा से सटा हुआ एक पहाड़ी टीले पर अवस्थित है। यहां एक विशाल गहरा सुरंग है, जिस खुफिया रास्ते सेनापति अपने नवाब से मिलने जाया करते थे। इसी पर्वत पर स्थित है कई पीर मुर्शिदों के मजार भी, जहां वर्ष में एक बार उर्स और मेला लगता है। आज पहाड़ी की इसी प्रासाद में दूरदर्शन प्रसारण केंद्र स्थित है। इस पहाड़ी पर से संपूर्ण मुंगेर का विहंगम दृश्य दिखाई पड़ता है। कष्टहरणी घाट मुंगेर उत्तरवाहिनी गंगा के तट पर स्थित अति प्राचीन अपने नाम के अनुरूप समृद्ध संस्कृति का जीवंत स्वरूप है। इस घाट पर कई देवालय अवस्थित हैं। इसके संबंध में मान्यता है कि यहाँ गंगा स्नान कर मंदिर में आराधना करने से कुष्ठ रोग से मुक्ति मिलती है। महाभारत काल में अंग प्रदेश के राजा कर्ण भी इसी घाट पर स्नान कर दैनिक पूजा अर्चना के पश्चात अपनी दिनचर्या प्रारंभ करते थे। कृष्ण वाटिका मुंगेर कष्टहरणी घाट से ही सटे इस वाटिका में नवाब मीर कासिम का एक भव्य सुरंग द्वार है, जिसका अंतिम छोर गंगा की तलहटी से कहां तक है किसी को नहीं पता। मान्यता है कि अंग्रेजी हुकूमत से लड़ाई लड़ते हुए उन्होंने हार नहीं मानी थी और इसी सुरंग के रास्ते कहीं अंतर्धान हो गए थे, जो आज भी राज है। इसी सुरंग द्वार से सटे एक छोटे टीले पर अवस्थित है मीर कासिम के 2 संतान कुल सनवर भाई बहन के मजार भी, जो अंग्रेजों से लड़ाई लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए थे। मजार पीर नफा साहब मुंगेर पीर नफा साहब का मजार मुंगेर किला के दक्षिणी द्वार पर एक ऊंचे टीले पर अवस्थित 12वीं सदी के एक प्रसिद्ध सूफी संत का मजार है, जो सांप्रदायिक सौहार्द का एक अनुपम उदाहरण प्रस्तुत करता है। यहाँ सभी धर्मों के लोग अपनी मन्नतें पूरी होने के लिए दुआ नमाज आराधना अरदास करता है। सन 1497 ईस्वी में तत्कालीन बंगाल के शासक दीनदयाल ने इसका जीर्णोद्धार कराया था। प्रत्येक शुक्रवार को यहाँ विशाल जन समूह का आगमन होता है। खानकाह रहमानी मुंगेर मुसलमान धर्मावलंबियों के कल्याणार्थ यह एक महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संस्था है। खानकाह रहमानी मदरसे में देश के कोने कोने से आए शिक्षार्थियों को पेशमाम मौलवी हाफिज कारी इत्यादि की शिक्षा प्रदान की जाती है। साथ ही रहमानी फाउंडेशन से अनेकों तरह के सामाजिक शैक्षणिक गतिविधियों का संचालन होता है। यहाँ कंप्यूटर से लेकर बीएड तक की पढ़ाई कराई जाती है। साथ ही मानव कल्याणार्थ अंधे मुख वधिरों जैसे अनेकों जन उपयोगी कार्यक्रम यहाँ से चलाए जाते हैं। बिहार योग विद्यालय मुंगेर विश्व को योग का मूर्त रूप प्रदान करने वाला मुंगेर का ये योग विद्यालय स्वामी सत्यानंद सरस्वती के स्वप्नों का प्रकट रूप है। ये विश्व का प्रथम योग विश्वविद्यालय है,
जहां देश विदेश के हजारों योग जिज्ञासु साधु संत एवं आम जन योग विद्या ग्रहण कर लाभान्वित होते हैं। वर्तमान में स्वामी निरंजनानंद के नेतृत्व में ये योग विश्वविद्यालय योग के विभिन्न आयामों पर निरंतर अनुसंधान कर रहा है। भीम बांध मुंगेर शहर मुंगेर से 56 किलोमीटर की दूरी पर 681.99 वर्ग किलोमीटर दायरे में फैला जंगल तथा पहाड़ी से घिरा गर्म जल के असंख्य स्रोतों से पटा पड़ा जिला मुंगेर का यह स्थान पर्यटन की दृष्टि से काफी प्रसिद्ध है, या यूं कहें पर्यटकों का यह पसंदीदा पिकनिक स्पॉट है। यहां गर्म जल की नदी बहती है जिसका तापमान 52 डिग्री सेल्सियस से 65 डिग्री सेल्सियस तक होता है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की देखरेख में यहां नाना प्रकार के पशु पक्षियों की भी भरमार है। ऐसी मान्यता है कि महाभारत काल में भीम पांडव में से एक भाई ने इस बांध की स्थापना की थी जो बाद में भीम बांध के नाम से प्रसिद्ध हुआ। ऋषिकुंड मुंगेर ये सुरम्य पहाड़ियों के मध्य में अवस्थित है जहां गर्म जल का कुंड तथा पर्वत से निकलता कई गर्म स्रोत भी है। यहां हर मलमास 4 वर्ष के अंतराल में बृहद मेला लगता है जहां दूर दूर से अनेकों ऋषि मुनियों का आगमन होता है। लोग कुंड में स्नान कर चर्म रोगों से मुक्ति पाते हैं। प्राचीन महाभारत काल में यह स्थान ऋषि मुनियों की तपोस्थली एवं साधना स्थली थी। इसी जिला शहर मुंगेर से सटे 8 किलोमीटर दक्षिण पूर्व दिशा में अवस्थित प्राकृतिक धन ऐश्वर्य से परिपूर्ण सुरम्य पहाड़ी की कठोर परंतु ममतामयी गोद में रचा बसा माँ यमला देवी काली पहाड़ी एवं सूफी संत बाबा जमाल पीर की दुआओं के साए में पला बढ़ा एक अति रमणीय बेहद ही खूबसूरत शहर जमालपुर। सन 8 फरवरी 1862 ईस्वी में ब्रिटिश शासन काल के दौरान एशिया महादेश के सबसे अभिन्न तथा भारतवर्ष के सर्वप्रथम विशाल लोकोमोटिव कारखाने की स्थापना यहां की गई। साथ ही ये सुंदर नगरी लौह नगरी जमालपुर के नाम से जाना जाने लगा। क्षण सप्ताह महीनों वर्षों में बदलता स्टीम लोको सह अनेकों कार्य रूपों का निर्वाह करता समय के साथ कदम से कदम मिलाता आज के डीजल लोको सह अनेकों निर्माण व मरम्मत कार्यों का निष्पादन करता लोकोमोटिव वर्कशॉप पूर्व रेलवे जमालपुर अपने उम्र के 154वें पादान पर